तो हेलो गाइज, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं टेक स्टडी। आज हम देखेंगे कैसे आप आपका फ़ोन यूज़ करके होलोग्राम वीडियो बना सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो गाइज वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइज इस वीडियो को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत होगा। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको बिना वाटरमार्क का और प्रीमियम फीचर्स यूज़ करना है फ्री में, तो मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, इस पर क्लिक करके देख के आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पहले काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप एक प्लस बटन है, इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको प्रोजेक्ट का जो साइज़ है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप मीडिया में जाइए। मीडिया में जाके आपका जो ओरिजिनल जो वीडियो है रिकॉर्ड किया है आप उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको बैक करना है और लेयर में जाना है। लेयर में क्लिक करके मीडिया में जाना है, ठीक है। जाके आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनशॉट में आपको क्लिक करना है। तो एक ऑप्शन आएगा कैपेसिटी, इसको आप एडजस्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो ओरिजिनल वीडियो है इसके साथ आपको जो स्क्रीन रिकॉर्ड सिलेक्ट किया हो उसको आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो स्क्रीन रिकॉर्ड में क्लिक कीजिए। क्लिक करके एक ऑप्शन आएगा आपका रोटेशन, हाँ, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके वो मिरर रोटेट कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद आप सेटअप कीजिए। जब आपका उंगली आपका फ़ोन में क्लिक करेंगे उसी वक्त आपका जो रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्ड है वो फुल में उठना चाहिए। मतलब ऐसे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, पहले वो आप देख के एडजस्ट कर लीजिए। तो गाइज ऐसे सेटअप करना पड़ेगा। आपका उंगली जब मूवमेंट करते हो इसी वक्त आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसको भी ऐसे मूव होना चाहिए, ठीक है। होने के बाद आप यहाँ पर लेयर जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कीजिए। करने के बाद बैकग्राउंड में जाइए, ठीक है, और एक बैकग्राउंड कलर ले लीजिए वाइट कलर का। इसके बाद आपको ऊपर में ऑप्शन मिलेगा कलर का, वो ब्लू कर दीजिए। करने के बाद ऐसे यहाँ पर एक क्रूक का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, उसको ऑन कर दीजिए। पहले शेप ऑन हो गया, शेप में क्लिक कीजिए और आप इस शेप को ले लीजिए, ठीक है। तो इसको आपका जो स्क्रीन रिकॉर्ड है इसके नीचे में बैठाना है और आपका जो फ़ोन का ऊपर में होना चाहिए, ठीक, वो आपको एडजस्ट कर लेना है। तो आपका शेप का जो साइज़ है और ऊपर में जो स्क्रीन रिकॉर्ड है उसका साइज़ मतलब वो सेटअप करना है, सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। नीचे में देख लीजिए कैसे वीडियो को मैं बनाया। तो गाइज आपको ऐसे आपको सिलेक्ट करके वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज आपका जो वीडियो का साइज़ है और लेयर का साइज़ सेम टू सेम कर लेना है, ठीक है। तो मैंने कर दिया और लेयर में क्लिक कीजिए और लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट, इसमें क्लिक करके और पहले लेयर में क्लिक करके या पहले आएगा आपका इन एनिमेशन, ठीक है, इसमें आपको पॉप करना है। बैक कर दिए। इसके बाद 2 नंबर जो ऑप्शन है इसमें भी सेम ऊपर में चलिए ऊपर में, ठीक है, इसमें आएगा वाइप आप, वो आपको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपका जो मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड है इसको आप सेम टू सेम आपको वाइप अप करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। वो इन एनिमेशन होगा। इसके बाद आपको आउट एनिमेशन देना पड़ेगा। तो आप पहले जो बढ़ते हुआ मेरा स्किन रिकॉर्डर काट देता हूँ। मैंने काट दिया, ठीक है। इसके बाद मैं ये भी सिलेक्ट करके आउट एनिमेशन दे दूँगी। तो ये आउट एनिमेशन है, तो आप आउट एनिमेशन दे दीजिए। यहाँ पर होगा आपका वाइप डाउन होगा, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको सेम टू सेम आपका जो शेप है इसको भी आउट एनिमेशन देना है। तो ये भी आप दे सकते हो वाइप आप सॉरी वाइप ये वाला होगा वाइप डाउन। ये भी सेम टू सेम वाइप डाउन दे दीजिए, ठीक है। तो मैंने सेटअप कर लिया। अभी इसके बाद शेप को क्लिक करके जो कैपेसिटी ऑप्शन है इसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो पहले एक कर दिया, दूसरा भी ऐसे सेम टू सेम कैपेसिटी एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो गाइस वीडियो प्ले करके देखता हूँ कैसा हुआ। तो गाइस मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है भाई, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप मेरा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना है, क्योंकि ऐसे नया नया टिप्स सबसे पहले देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।